इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ में हाई सेट अपडेट की बात करें तो नीमच से है, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस तथा प्रदेश राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के निर्देश पर मंगलवार को फेडरेशन से इंटक कांग्रेस का 75वां स्थापना दिवस स्थानीय कार्यालय गांधी भवन पर मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन परिसर में स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता द्वारा उद्बोधन दिया गया। इंटक जिलाध्यक्ष भगत वर्मा तथा महामंत्री भोपाल सिंह राठौर ने बताया कि राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य मजदूरों की दशा सुधारने, समानता का अधिकार दिलाना है, मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों को रोकना और ठेका पद्धति समाप्त करना जैसे मामलों को लेकर विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक की स्थापना 3 मई 1947 में लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नीमच जिले में पहली बार इंटक द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया है। संगठन का मुख्य उद्देश्य मजदूरों के हितों की रक्षा करना है, जिसको लेकर नीमच जिले में लगातार इंटक द्वारा मजदूरों के हितों की आवाज उठाई जा रही है और देश की मोदी सरकार द्वारा ठेकेदारी प्रथा चला रखी है। इंटक इसका पूरा जोर से विरोध करती है। ठेकेदार प्रथा बंद करने और सभी मजदूरों के लिए हम एक की लड़ाई लड़ रहे हैं और मरते दम तक लड़ते रहेंगे। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीत काठेड़, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना, इटक जिलाध्यक्ष भगत वर्मा, उमराव सिंह गुजर, देवेंद्र परिहार सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता, सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज 3 मई 1947 को पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस मजदूर इंटक का इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी स्थापना की थी। आज इसी स्थापना दिवस को लेकर के हमने आज इस जिले के अंदर पहली बार हम लोगों ने स्थापना दिवस बनाया है। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है मजदूरों के हितों की रक्षा करना, मजदूरों को समानता का अधिकार दिलाना और देश के अंदर जो ठेकेदारी प्रथा की हवा चला रखी मोदी सरकार ने, इंटक इस ठेकेदारी प्रथा का विरोध करती है और हम शुरू से हमारा आंदोलन के माध्यम से मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम मरते दम तक किसी भी कीमत के अंदर इंटक के माध्यम से देश के अंदर ठेकेदारी प्रथा को हम लागू नहीं होने देंगे। यदि ठेकेदारी प्रथा यदि लागू हो जाती है तो ये मान के चलिए कि देश से मजदूर नाम की यहाँ से समाप्त, मजदूर नाम की जो चीज़ है वो समाप्त हो जाएगी। इंटक का उद्देश्य जो असंगठित क्षेत्रों में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके हितों की लड़ाई के लड़ने के लिए हम उन सबको एकत्रित संगठित करेंगे और उनको संगठित करके जो मजदूरों का हक है उसके हम के हक की लड़ाई लड़ेंगे। आज हमने स्थापना दिवस बनाया है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर यह आज पूरे प्रदेश के अंदर जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इंटक की जिला इकाई द्वारा आज इंटक के स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ गांधी भवन में आयोजन किया था, जिसमें इंटक के हमारे सभी साथी और कांग्रेस के वरिष्ठ साथी सभी उपस्थित हुए। भाई भगत जी वर्मा इंटक के जिलाध्यक्ष बने हैं, जब से लगातार इंटक की गतिविधियों को इनके द्वारा बढ़ाया जा रहा है। इंटक की जो मूल भावना है कि मजदूरों के हितों में काम करें, मजदूरों का जहां शोषण हो उसकी लड़ाई लड़े और कांग्रेस पार्टी इसी बात को लेकर आज स्थापना दिवस भी मनाया और चर्चा भी की। जिले में जहाँ भी संगठित असंगठित मजदूरों का शोषण होगा इंटक के माध्यम से, जिला कांग्रेस के माध्यम से और कांग्रेस के सब साथियों के सहयोग से हम उस लड़ाई को लड़ेंगे और शोषित मजदूरों के साथ खड़े होकर उनको हक देने की आवाज़ उठाएं। तो ये था अब तक अपडेट, लगातार जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।